खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां रविवार को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सहायक रिटर्निंग अधिकारी नोहर पंकज गढ़वाल के निर्देशन में नोडल प्रभारी भार्गवी सांधू तहसीलदार नोहर की अगुवाई में लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। आज के आयोजन में मेडिकल एसोसिएशन, केमिस्ट एसोसिएशन नोहर, लेब एसोसिएशन नोहर, चिकित्सा प्रभारी अधिकारी व ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी शामिल रहे। जानकारी देते हुए उपखंड अधिकारी नोहर पंकज गढ़वाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों को पालना में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर चंद्र कुमार व डॉक्टर प्रदीप कड़वासरा में लोकतंत्र के इस पर्व पर ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील। आज हमारा उद्देश्य यह स्वीप एक्टिविटी सिस्टमिक वोटर एजुकेशन इलेक्टोर पार्टिसिपेशन के तहत हम चाह रहे हैं सभी वोटिंग करें, और क्योंकि जो सामूहिक निर्णय होता है वो मजबूत होता है, हम चाहते हैं 100% करें तो ऐसा लगे पूरी जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है। लेकिन अगर वोटिंग करने नहीं जाने अधिकार यहाँ पे अपने अधिकार को कर्तव्य समझ के अगर अपन करते हैं तो अपना राष्ट्र निर्माण होगा और सभी की जो मनोइच्छा है उसके तहत अपन अपनी गवर्नमेंट चुन सकेंगे, और 1947 से पहले जो गुलामी थी उसको भुला के अपने को अपनी सरकार अपने लिए और अपने राष्ट्र निर्माण के लिए चुननी है। इसके लिए हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जाके वोटिंग करे और अपने अधिकार को कर्तव्य समझ के वोटिंग करे, जिससे हरेक आदमी ये ना कह सके कि मेरा इस राष्ट्र में क्या योगदान है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपना 100% वोटिंग करे, जिसे अपने डेमोक्रेसी या लोकतंत्र में ऐसा लगे कि हमने सभी ने मिलके इसको बनाया है। जब 100% वोटिंग होगा तभी हम ये कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसलिए मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने अधिकार को कर्तव्य मान के, अपनी ड्यूटी मान के सबसे पहला कार्य ये करें जिससे अपना राष्ट्र बहुत आगे बढ़ सके और सुदृढ़ मजबूत और सभी की समस्याएं पीछे बैठे हुए आदमी को भी अपना नॉलेज दें। यही है, थैंक यू। सब कार्यक्रम के बारे में ये चुनाव के लिए अवेयरनेस के लिए ये अभियान है ताकि सभी को जो मतदाता है उनको कर्तव्य के ध्यान रहे। मेरा तो यही कहना है कि हम 1000 साल की गुलामी काट के और अब अपने को अधिकार मिला है कि अब अपनी सरकार अपने खुद जनता बना सकती है, तो इसके लिए हमें बढ़िया से बढ़िया मजबूत से मजबूत सरकार बनाने के लिए तथा देश के विकास के लिए बढ़िया से बढ़िया कैंडिडेट को ऊपर पहुंचाना है वहाँ दिल्ली में, ताकि मजबूत सरकार बने और वापस हमें कभी गुलामी के दिन ना देखने पड़े। तो ये अपना कर्तव्य निभाए, बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है। सारे काम छोड़कर कहीं बाहर गया हो तो वापस आए, कहीं जाना हो तो जाए नहीं, यहीं रहे, 100% मतदान करें, इसको अपना कर्तव्य समझें।